तन मन हर तरीके से शुद्ध व्यवहार करें, अंतःकरण भी उनका शुद्ध हो और उनका व्यवहार भी शुद्ध हो और पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लीन हो। क्या? इसी को खरना कहा जाता है, यही खरना का त्योहार है। खरना के बाद छठ महोत्सव, छठ महापर्व का जो तीसरा दिन होता है। देखिए, हमने हमेशा सुना है कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, यही कहावत है ना। हम सब ने हमेशा सुना है कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, लेकिन देखिए आप इस पर्व की सुंदरता और इसकी महानता देखिए। जो पहला अर्थ है, सभी व्रती सभी व्रत रखने वाले लोग जो पहला किसकी करते हैं, ये पहला अर्घ अस्तगामी सूर्य को दिया जाता है। भगवान भास्कर जब अपने अस्तगामी अवस्था में होते हैं, डूबते हुए सूरज को पहला अर्घ दिया जाता है। यही दिखाता है कि हम कितने कृतज्ञ हैं भगवान भास्कर के, जिनकी ऊर्जा, जिनकी दैविक ऊर्जा का संचार समस्त पृथ्वी, समस्त मानव जाति को चला रही है। तो ये हम सभी मनुष्यों का अपनी कृतज्ञता दिखाने का एक तरीका है, अस्ताचल अस्तगामी सूरज को। उस दिन पहले घाट पर जाने से पहले जितने व्रत रखने वाले लोग हैं, उनके परिवारजन हैं, सभी बहुत ही दौरियों में चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को सजाते हैं, बहुत धीरज के साथ और स्वच्छता को बनाए रखते हुए सभी सूप और दौरे को सजाया जाता है। ये काम व्रत रखने वाले लोग और उनके